अस्सलाम गाइस, दिस इज सुमान नवाज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पार्कौर फेडरेशन। और फैट लॉस की इस यूट्यूब की सीरीज में आप सबको खुशामदीद। फैट लॉस की इससे पहले मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, जिसे मैंने पहले डाइट के मुताबिक बताया। डाइट में जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने 5 मैजिकल ड्रिंक्स जो कि मैंने ऊपर मेंशन की है वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइजेस की कुछ शॉर्ट वीडियोज मैंने मेंशन की है, वो भी आप ऊपर देख सकते हैं लिंक में। आज हमारा एक ना यूनिक टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक है, जो है कैलोरीज काउंट। बेसिकली ये 3 वो वेज हैं जिनके थ्रू आप वेट लॉस कर सकते हैं बहुत आसानी से और ऑर्गेनिक वे। ये 3 ऑर्गेनिक वेज हैं। इसके अलावा भी काफी और तरीके हैं जिनसे आप वजन कम कर सकते हैं। आजकल मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए, जैसे लेजर है, लेजर के थ्रू आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन ऑर्गेनिक वेज ये 3 हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि डाइट प्लान, बल्कि डाइट प्लान भी पूरा शेयर कर दिया है। अभी आज या कल में मैं एक पोस्ट भी डालूंगा, रिटर्न पोस्ट, जिसमें मैं फुल डे डाइट प्लान फॉर वेट लॉस क्या होता है और किस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते, लेकिन ओनली ऑर्गेनिक। मैं अभी फिलहाल ओनली ऑर्गेनिक पे वर्क कर रहा हूं, तो आपको डाइट प्लान मिल जाएगा। उसके साथ एक्सरसाइजेस में डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्सरसाइज वेट लूज, खासकर बेली फैट के लिए मैं बना रहा हूं डेली बेसिस पे। अच्छा, कैलोरी काउंट की बात करें तो कैलोरी काउंट है क्या? कैलोरी काउंट सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कैलोरी काउंट होता क्या है। उसके बाद कैलोरी किस तरह से बढ़ा के कम करके हम बॉडी का फैट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक क्योंकि कैलोरी काउंट के ऊपर है, तो कैलोरीज को मैं प्रॉपरली डिफाइन करने लगा हूँ। उसके साथ साथ कैलोरीज की कितनी इनटेक चाहिए होती है, उसके साथ एक जो हमारी डेली बेसिस की खुराक है यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर होती हैं, हम खा रहे होते हैं, और कितना हम बढ़ाएं और कम करें तो हमारा वजन बढ़ेगा और कम होगा, ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कैलोरीज की बात करते हैं, तो सिंपल डेफिनेशन है, ये गूगल डेफिनेशन है, मैं इसको अपने अंदाज में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसको आप सादा जुबान में ये कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल इट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें एक पानी, 1 ग्राम पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। उस 1 ग्राम पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको इतना बस गर्म करना है कि वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हल्का सा उसको गर्म करना है, सिर्फ 1 ग्राम की बात हो रही है। तो जितनी एनर्जी यूज होगी उसको थोड़ा सा गर्म करने में, वो कहलाएगी 1 कैलोरी, यानी कि 1 यूनिट कैलोरी कहलाएगी। ये तो शायद आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी 1 ग्राम पानी की बात हो रही है, फिर ज्यादा पानी होगा, फिर मतलब कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन इसको सादा जुबान में ना आप सिंपली समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये एनर्जी इक्विवेलेंट है, 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल्स। 4.2 जूल्स, अब जूल्स कहते हैं, जूल्स एनर्जी का यूनिट है, ये आपको फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उन सबको पता होगा जूल्स के मुतालिक। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल, यानी कि 4.2 जूल्स एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी। तो अभी ये बात मैंने इसको डिफाइन किया सिंपली कि कैलोरी होती क्या है, अब मैं आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट की बताने लगा हूं कि एक दिन में एक इंसान को, चाहे वो बच्चा है, वो एक फीमेल है, बड़ा है, और एक मेल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने 3 कैटेगरीज यहां मेंशन की हैं, मजीद सेम मैं एक पिक्चर भी साथ मेंशन कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इसके मुतालिक दे सकूं, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में, चाहे इस वीडियो में हो। अच्छा, अगर मैं पहले बच्चे की बात कर लेता हूं, तो 2 से 3 साल का जो बच्चा है, ये मेल हो या फीमेल फर्क नहीं है, सेम है, 2 से 3 साल का जो बच्चा है इसको 1000 कैलोरीज चाहिए होती है पर डे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी चेंज होती है 4 साल से लेकर 51 साल तक, 51 साल प्लस, यानी जितनी भी एज होगी तो वो 51 प्लस की कैटेगरी सेम होगी। तो ये मर्दों के लिए है, मर्दों को 4 साल की उम्र में शुरू होता है 1200 कैलोरी, इसी तरह बढ़ते 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 मैक्सिमम इनको 2500 कैलोरी चाहिए होती है। अब ये मत समझिएगा कि 51 ईयर्स प्लस वाले को 2500 कैलोरी चाहिए होती है, ऐसा नहीं है। कैलोरीज यंग पर्सन को मैक्सिमम कैलोरीज चाहिए होती हैं, जैसे अगर आप बात करें 25 to 30 या 20 to 25, तो उनको चाहिए होती है मैक्सिमम कैलोरीज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके बाद फिर ये कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। इस तरह से फीमेल की बात करें तो 4 साल से लेकर 51 साल प्लस तक को जो वुमन होती है उनको 1200 से 2000 तक की कैलोरी चाहिए होती है। अच्छा, इसमें जो मेन एज मैंने देखी थी वो देखी थी 25 to 30, जिसमें फीमेल्स को मैक्सिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और आगे जाके एज के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको, आप जो डेली बेसिस में खुराक खाते हो, रोटी, चने, दूध, उसके अलावा मिल्क शेक, कॉफी, चाय, तो इनमें कैलोरी काउंट क्या क्या होता है, कितनी कैलोरीज होती हैं। तो अगर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, यार मैं एक दिन में 10 चाय पीता हूं तो मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं, सब कुछ आपको उससे अंदाजा हो जाएगा।
सो गाइस जब आप डाइट और वेट लॉस की बात करते हैं तो आप कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, कैलोरी टू वेट कंपैरिजन। हमें ये करना लाजमी है ताकि हमें ये पता चल सके कि कितनी कैलोरीज इज रियली इक्विवेलेंट टू द वेट, यानी कि एक किलो में कितनी कैलोरीज होती हैं। अच्छा, हम पहले पाउंड की तरफ आते हैं, एक पाउंड का जिक्र करेंगे। पाउंड का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे पाउंड चलता है, पाकिस्तान इंडिया और एशिया में हम केजी से बात करते हैं। तो हम पाउंड पे आते हैं, 1 pound इज इक्वल टू 3500 कैलोरीज। इसी तरह से 1 kg इज इक्वल टू 7700 कैलोरीज और 1 kg इज इक्वल टू 2.2 pounds। कुछ लोगों को लगता है कि 1/2 kg इज इक्वल टू 1 pound और 1 kg इज इक्वल टू 2 pounds, ऐसा नहीं है। 2.2 pounds इज इक्वल टू 1 kg, ये आप अपने ध्यान में रखिए। बाकी हम फर्दर सारा केजीज में बात करेंगे। अच्छा, ये सिंपल सा मैंने लिखा है आपको, मैं इसको उर्दू में भी डिफाइन कर देता हूँ। इट टेक्स अ डेफिसिट ऑफ 7700 calories to lose a kg of fat and a surplus of around 3500 calories to build a kg of muscle. ये बात आप जरा समझने से उर्दू में कि अगर आपकी बॉडी में जो कि आपकी रिक्वायर्ड आपकी कैलोरीज हैं, यानी कि 2500 कैलोरीज हैं, उसमें अगर आप 7700 कैलोरीज कम करते हैं, चाहे एक महीने में कम करें, एक दिन में कम करें या एक घंटे में कम करें, जैसे भी कम करें, तो आपका एक किलो वजन कम हो जाता है। उसी तरह से अगर आप 3500 कैलोरीज अपनी जो रेगुलर डाइट है, यानी कि 2500 जो आपकी रिक्वायर्ड है, उसमें अगर आप 3500 कैलोरीज बढ़ा लेते हैं तो आपका 1 kg मसल मास बढ़ेगा। तो आप इस चीज को जरा समझ लें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मजीद इसको। पहले हम बात करेंगे हमारी डेली रिक्वायरमेंट की, वो हमारी है 2500 कैलोरीज। फिर हम बात करेंगे कि 1 kg इज इक्वल टू 7700 कैलोरीज। अभी हम वेट लॉस की बात करेंगे तो हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, हमारे 2500 कैलोरीज हम डेली की खा रहे हैं, मैं इसको कम कर देता हूं। अगर मैं 1800 कैलोरीज रोज की खाता हूं, यानी कि 700 कम करता हूं, तो अगर इस में से हम मतलब हमने 1800 खाई है, माइनस हम इसको करते हैं 2500 से, तो हमारी हो रही है रोज की माइनस 700 कैलोरीज बॉडी में से माइनस हो रही हैं। हम माइनस 700 कैलोरीज जरब करेंगे 11 दिन के साथ, तो ये इक्वल हो जाएगी हमारे माइनस 7700 कैलोरीज के। यानी कि अगर आप एक दिन में 700 कैलोरीज कम खाते हैं तो सिर्फ 11 दिन के अंदर बगैर किसी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, बगैर किसी एक्सरसाइज के करते हुए, आप 1 kg वजन कम कर सकते हैं। इस वक्त व्हाइट बोर्ड में मैंने 9 तरह के मुख्तलिफ वो फूड्स लिखे हैं जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट में है, कुछ हमारे डिनर में है, कुछ हमारे लंच में है। तो आपने खुद अपनी कैलकुलेशन करनी है और अपने हिसाब से बताना है। मैं अपनी कैलकुलेशन बता दूंगा कि मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं, आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। अच्छा, मैं बात करता हूं ब्रेड की, तो एक रोटी की बात करता हूं, तो एक रोटी में हमें चाहिए होती है 300 कैलोरीज। अच्छा, पहले हम जरा थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। अब मैं एक मर्द हूं, मैं अपनी बात करूंगा, मैन मुझे चाहिए होती हैं तकरीबन 2500 कैलोरीज पर डे। लेकिन चूंकि मैं एक एथलीट हूं तो मैं इस 2500 को काट के इसको मैं ज्यादा नहीं तो 3000 कैलोरीज पे ले जाता हूँ। ठीक है, मुझे 3000 कैलोरीज एक दिन में चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एक वुमेन की बात करूँ तो एक वुमेन को चाहिए होती है 2000, और अगर वो बहुत ज्यादा ही एथलेटिक है मेरी तरह तो उसको चले मैक्सिमम जरूरत पड़ जाएगी तो 2500 कैलोरीज की। तो हमने 2500 और 3000, मैं अपनी 3000 के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहली चीज है ब्रेड, यानी कि रोटी। रोटी में 300 कैलोरीज होती है एक रोटी में। ठीक हो गया, एक रोटी में 300। पहले मैं बताता हूँ सब में कितनी कैलोरीज हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ। एक रोटी में 300 कैलोरीज होती है। मैंने ग्रेन्स लिखे हैं, यानी चने का सालन हो गया या कोई भी सालन, दाल वगैरह हो गया, उसमें 370 से 400 कैलोरीज होती हैं। ये सब जो कैलकुलेशन है ये 100 grams के साथ है। आपने हर चीज को 100 grams में लेना है। यूजुअली हमारी रोटी 100 grams की होती है तो 300 कैलोरीज हमें एक रोटी में मिल रही है। ग्रेन्स जो हम सालन लेते हैं वो भी 300, 400, 500 ग्राम तक का होता है, एक कोली में या एक प्लेट में जो सालन आता है। वेजेस की बात करें 100 ग्राम इसमें आ गया, हमारा आ गया इसमें कैरेट आ गई, ठीक है, मूली आ गई और खीरे आ गए, इस तरह की कोई भी आप वेजेस ले सकते हैं, तो ये 70 कैलोरीज उसके अंदर होती है। कॉफ़ी आप मतलब जितनी मर्जी पिए उसमें आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो 0 कैलोरीज है, बिल्कुल नहीं है। चाय आप 100 ग्राम चाय पीते हैं उसमें सिर्फ 1 कैलोरी है, जो कि निगलिजिबल है, बिल्कुल 0 के बराबर है। अच्छा, दूध का एक गिलास 100 ग्राम को लेकर 61 कैलोरीज उसके अंदर है। गोश्त आप 100 ग्राम ले और 100 ग्राम गोश्त कुछ भी नहीं होता ज्यादा, आप मतलब पता भी नहीं चलता 100 ग्राम गोश्त कितना होता है उसमें, 143 कैलोरी है, अच्छी खासी अमाउंट है। उसके बाद मैंने ये शेक्स, दो शेक्स लिए हैं जो हम यूजुअल लाइफ में खाते हैं, अक्सर वेट
गेन वाले लोग ये दोनों शेक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन्होंने वेट लूज करना था वो नहीं करते, लेकिन फिर भी शौक रखते हैं लोग इन दो शेक्स का। तो इन दो शेक्स का मैंने लिखा, एक बनाना शेक है, इसमें 250 कैलोरीज होती हैं विद शुगर। अगर शुगर इसके अंदर ऐड हो तो 250 कैलोरीज होती है, अगर इसके अंदर शुगर ऐड ना हो तो 210 कैलोरीज होती है। अगर डेट्स के शेक की बात करें, खजूर का शेक, तो उसमें 81 कैलोरीज होती है। अच्छा, अब हम अपनी कैलकुलेशन करता हूँ इसमें, आप वो देखिए व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी सी जगह छोटी करके अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बनाई है, ताकि मैं आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन बताता हूँ। फिर बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, एक आम आदमी को 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन एक एथलीट ज़्यादा खाता है, तो मैं एक एथलीट के तौर पे 3000 कैलोरीज, और एक वुमन को चाहिए होती हैं 2000 कैलोरीज, और एक एथलीट के हिसाब से मैंने 2500 कैलोरीज लिखी हैं। मैंने सब कुछ इसलिए नहीं रेस किया क्योंकि अगर मैं इन सबको रेस कर देता ना, तो फिर हम इससे हमारे लिए कैलकुलेशन ना मुश्किल हो जानी थी। अब आपके सामने एक चीज़ मौजूद है, आपने अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं अपने नाश्ते की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले नाश्ते में खाता हूँ दो ब्रेड खाता हूँ मैं, ठीक हो गया। दो ब्रेड से मुझे मिलती है 600 कैलोरीज, ठीक हो गया। उसके बाद मैं खाता हूँ, ग्रेन्स लगा लें, कोई भी सालन लगा लें, तो वो मैं खाता हूँ एक ग्रेन्स का बॉल, उसमें मुझे मिल जाती हैं 400 कैलोरीज। ये समझ लें मेरा नाश्ता है, ठीक हो गया। उसके बाद नो वेजीज, नो कॉफ़ी, टी, दो मैं टी के पीता हूँ कप पूरे दिन में, वो मुझे मिल जाती हैं 2 कैलोरीज। उसके बाद मिल्क मैं डायरेक्ट नहीं पीता, गोश्त मैं डायरेक्ट कभी खा लूँ कभी ना खाऊँ, लेकिन हम इवनिंग में इसको डाल लेंगे। बनाना शेक अगर मैं डेली का एक लगा लेता हूँ, बनाना शेक ना, एक बनाना शेक हो गया, तो ये बनाना शेक एक मुझे देता है 250 कैलोरीज, ठीक हो गया। ये मेरी कैलोरीज हो गई नाश्ते की, और दोपहर का खाना ओवरऑल, और जो चाय और शेक ये डाल दिया। अब मैं रात का खाना, मैं रात के खाने में दो ब्रेड में डाल लेता हूँ रात का खाना, ठीक है, जिसमें मुझे मिल गई 600 कैलोरीज। अगर मैं भी, क्योंकि कभी इंसान गोश्त खाता है, कभी सब्जी खाता है, कभी सालन खाता है, तो हम ग्रेन्स की ही एवरेज लगा लेते हैं, तो 1 ग्रेन कर लेते हैं, जिसमें मुझे मिल गई 400 कैलोरीज। और अगर कोई कुछ साइड भी इंसान खा लेता है, जैसे कि मैं पीनट बटर है मेरा अपना, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, वो मैं पीनट बटर अगर खा लूँ, या मैं नट्स बार खा लूँ, तो तकरीबन उससे भी मुझे कोई एक नट बार लिख लेता हूँ, मैं एक नट बार लिख लेता हूँ, उसमें मुझे मिल जाती है तकरीबन 250 कैलोरीज, ठीक हो गया। अब हम इन सब को टोटल कर लेते हैं कि टोटल मुझे कितनी मिलती हैं, तो टोटल करते हैं इसको। अच्छा जी, और पहले तो ये आ गई 2, उसके बाद जी 5, और 5 10 आ गया 0, 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अभी जो टोटल कैलोरीज मेरा इंटेक बन रहा है वो 2502 कैलोरीज, यानी कि 2500 कैलोरीज, जो एक आम इंसान को चाहिए होती है। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ, यूजुअली मैं मतलब ज़्यादा भी खाता होऊंगा, मतलब कभी इंसान कुछ स्नैक ले लेता है, कुछ और डाइट ले लेता है, तो अगर हम स्नैक्स को डालेंगे ना, तो ये यूजुअली मेरा 3000 कैलोरीज पूरा करता होगा। तो ये वो कैलोरीज थी जो मैं इनटेक करता हूँ डेली बेस। दिस इज ऑल अबाउट कैलोरीज। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैलोरीज होती क्या हैं, मुख्तलिफ खुराकों में कितनी कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं, बेसिकली एक ह्यूमन को, मेल या फीमेल या बच्चा, उसको कितनी कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, और कितनी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा खाएं तो आपका वजन बढ़ता है, और कम खाएं तो आपका वजन कम होता है। इसी तरह से मैं पार्कौर और कैलिस्थेनिक्स की भी मुख्तलिफ ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूं, और ऊपर मैंने मेंशन भी कर दी है, आप वहां जाके मुख्तलिफ किस्म की फ्लिप्स और फिटनेस और बॉडी वेट ट्रेनिंग भी सीख सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया।